शेख जैद अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट में नाकामी से दो चार, भाई को अतिया देने वाली जवान साला बहन जहां बहक हो गई। 42 साल शाहिद को 31 साल बहन नायला ने गुर्दे का अतिया दिया। अस्पताल में जिगर की पैबंदकारी के ऑपरेशन पहले ही नाकाम हो चुके हैं। समोग में इजाफा, ठंडी हवा ने सर्दी बढ़ा दी। लाहौर आलूदगी की शरह में तीसरे नंबर पर आ गया। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 157 रिकॉर्ड, डिफेंस में शरह 236, इकबाल टाउन में 215 रिकॉर्ड की गई। इस्लामिक एड और चिल्ड्रन अस्पताल के साथ एमओयू साइन हो गया। 40 करोड़ से बर्न यूनिट अगले साल मुकम्मल होगा। बर्न यूनिट में 15 आईसीयू, 15 बेड्स अलग होंगे। वजीर सेहत यास्मीन राशिद का कहना है कि एक साल में दुनिया की पहली चाइल्ड यूनिवर्सिटी बनाई गई। यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन भी होगी। शहरियों के लिए बुरी खबर, घरेलू गैस प्रेशर अभी बढ़ने वाला नहीं। मेगा प्रोजेक्ट गैर मामूली ताखीर का शिकार, लागत 3.90 अरब तक जा पहुंची। इब्तदाई लागत तखमीना 2.30 अरब लगाया गया। कंपनी को 1.54 अरब का नुकसान। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को दो हिस्सों में तकसीम करने का काम नामुकम्मल। इमरान खान पर कातिलाना हमला केस, मुश्तरका तहकीकाती टीम ने बाज़ाब्ता काम शुरू कर दिया। टीम वजीराबाद पहुंच गई। खुर्रम अली शाह और नसीबुल्ला ने जाय वकूआ का दौरा किया। मजीद डिजिटल शवाहिद हासिल करने के लिए स्पॉट्स की निशानदही की गई। अराकीन वजीराबाद में तहकीकाती टीम को टास्क सौंपे गए। विफाक ने पंजाब का आईजी चीफ सेक्रेटरी का पैनल मुस्तरद कर दिया। पंजाब हुकूमत का विफाक को जल्द चीफ सेक्रेटरी आईजी लगाने का मरासला। विफाक जानबूझकर आईजी चीफ सेक्रेटरी तायुनात नहीं कर रहा। पंजाब का चीफ सेक्रेटरी आईजी न लगने से काम मुतासर होने का शिकवा। बिलियन ट्री सोनामी प्रोग्राम के 1.28 अरब लैप्स होने का इंकशाफ। पंजाब हुकूमत ने फंड अजरा होने के बावजूद इस्तेमाल ही न किए। फंड्स के इस्तेमाल न होने पर बिलियन ट्री प्रोग्राम इल्तवा का शिकार रहा। महकमा जंगलात ने फंड के दोबारा इजरा की इजाजत मांग ली। लाहौर में स्टेट ऑफ द आर्ट सब्जी और फल मंडी बनेगी। रिंग रोड या मोटरवे के करीब जमीन का इंतखाब किया जाएगा। व्यापारियों आड़तियों के लिए क्याम के लिए होटल बनेंगे। हुकूमत ने रूडा को टास्क दे दिया। मंडी के लिए 200 एकड़ एराजी की तलाश। ऑरेंज ट्रेन के मुसाफिरों के लिए खुशखबरी, अब फिक्स नहीं स्टॉप टू स्टॉप किराया देने की सहूलत होगी। ट्रेन का 0 से 4 किलोमीटर तक किराया 20 रुपये होगा। 5 से 8 किलोमीटर तक किराया 25 और 9 से 12 किलोमीटर तक किराया 30 रुपये मुकर्रर। कल से नए किराए का नफाज होगा। पंजाब में ब्रायलर मुर्गी मजीद महंगी होने का खदशा। फीड में इस्तेमाल होने वाले सोयाबीन के कंटेनर पोर्ट्स पर फंस गए। कराची पोर्ट्स पर कंटेनर्स फंसे 18 दिन गुजर गए। कंटेनर्स रिलीज न होने पर पोल्ट्री फीड की कीमत बढ़ जाएगी। फीड न मिलने से ब्रायलर चूजा कमजोर और चिकन की किल्लत सर उठा लेगी। महकमा खजाना ने तरक्याती स्कीमों की सप्लीमेंट्री ग्रांट रोक ली। महकमों की नई तरक्याती स्कीमों की समरियां वापस। महकमा खजाना कारवां साल नई स्कीमों को एडजस्ट करने से इनकार। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को 22 करोड़ रुपए जारी। आलमी बैंक का 40 अरब का ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम तो हाल अधूरा। आलमी बैंक पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से गैर मुतमईन। हुकूमत प्रोग्राम पर 50% भी कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। आलमी बैंक 20 अरब जारी कर चुका। इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी का मामला भी इतवा का शिकार। एसी मॉडल टाउन सोनिया सदफ का तबादला। SNGAD रिपोर्ट करने की हदायत। मोहम्मद इब्राहिम अरबाब एसी मॉडल टाउन तायुनात कर दिए गए। स्कूल एजुकेशन का ऑनलाइन तबादलों से पाबंदी उठाने का ऐलान। दिसंबर के पहले हफ्ते में ऑनलाइन तबादलों से पाबंदी खत्म। एजुकेशन अथॉरिटीज को स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर डाटा अपडेट करने की हदायत। अहकाम पर अमल दरामद न करने पर अथॉरिटीज के सरबराहान जिम्मेदार होंगे।
इंटरमीडिएट पार्ट वन के नतायज का ऐलान। बोर्ड के तहत 2,11,906 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया। 83,554 उम्मीदवार कामयाब हुए। तुलबा की कामयाबी का तनासुब 41.24% रहा। उम्मीदवार नतायज बोर्ड की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई में नाकामी। लेस्को सेंट्रल सर्कल की टास्क फोर्स मुअत्तल। लाइनमैन मोहम्मद नदीम, मीटर इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम और मोहम्मद सईद मुअत्तल, सुप्रीटेंडिंग इंजीनियर मोहम्मद रशीद ने मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेफ सिटीज अथॉरिटी तबाही के दहाने पर पहुंच गई। सेफ सिटीज के 90% कैमरों की आंखें बंद। पुलिस ने रिपोर्ट वजीर आला को भेज दी। सेफ सिटीज ने 10% कैमरे फाल होने की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तर्जुमान के मुताबिक सेफ सिटीज अथॉरिटी के जिमा कोई रकम वाजिबुल अदा नहीं। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। अदालती दायरे इख्तियार पर दलाइल तलब। एहतसाब अदालत ने कहा कि लगता है कि केस दायरे इख्तियार में नहीं आता। सुलेमान रफीक ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान ने मुल्क को बहुत पीछे धकेल दिया। तोशाखाना से मुतालिक बहुत से हकायक सामने आ रहे हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर आला मोहम्मद खान भट्टी की तैनाती के खिलाफ केस। जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर ने इस्तफसार किया कि क्या प्रिंसिपल सेक्रेटरी का जवाब आ गया है। हाई कोर्ट ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत को वजरिया चीफ सेक्रेटरी फ्रीक बनाया गया। फैंसी कुर्ता शलवार का रंग खराब करने का मामला। सलमान फैब्रिक्स मुस्लिम टाउन के मालिक के खिलाफ हर जाने का दावा दायर। सारिफ अदालत के जज अदनान मुश्ताक ने मालिक को 2 दिसंबर को तलब कर लिया। बीस एडिशनल सेशन जजेस को सेशन जज के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। तरक्की पाने वालों में मलिक एजाज अख्तर, अमजद अली शाह, नवीद इकबाल, अली रजा शामिल, मोहम्मद यूनिस अजीज, अब्दुल सत्तार, शहबाज अहमद भी सेशन जज बन गए। अरशद अंजुम आसिफ राना की भी बतौर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तरक्की नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। डॉलर की कदर में तेजी। ओपन मार्केट में डॉलर 1.25 रुपये महंगा। रेट 229 रुपये तक पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 4 पैसे इजाफा हुआ। लोहा मार्केटों में मंदी के डेरे। 25 रोज में लोहे की मसनूआत की कीमतों में 20,000 की कमी। लोकल सरिया 20,000 कमी से 1,82,000 रुपये टन हो गया। ब्रांडेड सरिये की कीमत 2,13,000 रुपये फी टन हो गई। लोहे की मसनूआत की मांग कम हो गई। गवर्नर की जेरे सदारत मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स का इजलास। हुकूमत फाउंडेशन के सरदार डॉक्टर अमजद साकिब की भी शिरकत। जल्द पायलट प्रोग्राम शुरू करने पर इत्तेफाक। हुकूमत फाउंडेशन वाइस चांसलर्स को सहूलत मुहैया करेगी। फाउंडेशन का तलबा को स्कॉलरशिप्स देने पर भी गौर। ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी के जेर एहतमाम सेमिनार किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी ने एहतमाम किया। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यासमिन राशिद, प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज की शिरकत, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शहजाद अनवर, प्रोफेसर डॉक्टर एजाज हुसैन, प्रोफेसर आरिफ रशीद, अलामा हाफिज काजिम रजा समेत दीगर शरीक हुए। बच्चे की कबल अज़ वक्त पैदाइश के असबाब से आगाही का दिन। शोभा पीट्स के जेर एहतमाम सर्विसेज हस्पताल में सेमिनार। प्रोफेसर फारूक अफसर, प्रोफेसर तैयबा कावर भट्ट, प्रोफेसर तैयबा वसीम, प्रोफेसर मलाइका मकसूद, डॉक्टर फैज सुल्तान की शिरकत। वाइस चेयरमैन ओवरसीज कमीशन पंजाब तारिक महमूदुल हसन की इमरान खान से मुलाकात। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की इयादत की। ओवरसीज के मसाइल और उनके हल पर भी बातचीत की गई। आशियाना रोड पर रहमानी कारवां के जेर एहतमाम इज्तिमाई शादियों की तकरीब। मुस्तहिक घरानों से ताल्लुक रखने वाली 5 लड़कियां पिया घर सुधार गईं। तकरीब में सदर रहमानी कारवां, अफजाल रहमानी, लाला बशीर, जनरल सेक्रेटरी हाजी आसिम समेत दीगर शख्सियात की शिरकत। हुकूमत पंजाब ने फिल्म सेंसर बोर्ड की तश्कीलें नो कर दी। गुलजमान खान दोबारा बतौर चेयरमैन काम जारी रखेंगे। फिल्म साज अमारा हिकमत, अदाकारा जुगन काजम, कमल खोसट को फिल्म सेंसर बोर्ड का मेंबर बना दिया गया। अदाकार उमैर राना वाइस चेयरमैन फिल्म सेंसर बोर्ड बन गए।
इंटरवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप दूसरे रोज पंजाब यूनिवर्सिटी के एथलीट्स ने बरतरी हासिल कर ली। वुमेंस 1500 मीटर में पंजाब यूनिवर्सिटी की महनूर की पहली पोजीशन, मर्दों की 1500 मीटर दौड़ में यूसीपी के अख्तर अली का नया रिकॉर्ड।